नमस्कार दोस्तों नमो नमः संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागतम है मित्रों बात करेंगे हम सीधी और सरल हमने कल लास्ट जो है जो बनाया था वो लिख धातु का लिख धातु का रूप चल रहे थे जहां पर हमने भविष्य काल में लिख लिया था किसमें भूत काल में आज हम विधिलिंग यानी चाहिए अर्थ में और लिखेंगे विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ चाहिए अर्थ में हम चले तो क्या करना होगा पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों पे लेके चलें एक वचन द्विवचन और बहुवचन यहां पर हम जिसकी हम बात करने वाले हैं उसकी बात करें हम और यहां लकार विशेष में हम चलेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा चाहिए अर्थ में लिखेत लिखेताम लिखेयु लिखे लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव, लिखेम प्रश्नों की झड़ी लगाना प्रारंभ हुआ और प्रश्नों की झड़ी आज फिर से लग गई है नंबर एक पर प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको लिखित इत लकार क्या लकार कौन सा है आपको यह बताना है क्या ये लट लकार है लोट लकार है लंग लकार है या फिर विधिलिंग लकार है या फिर विधिलिंग लकार है इस पर आपको क्लियर करना है आंसर आज आपको देना है आंसर आज आपको देना है प्रश्नों की झड़ी लगा दी है अब आप पर है कि यहां पर क्या करने वाले हैं लिखे त्रत्र पुरुष के पुरुष के आपको यहां बताना है प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष है या फिर सर्वे है दो प्रश्न है दोनों प्रश्नों का आंसर अब आप आपको देना है तो आप लगातार इस चीज पर लगातार दे सकते हैं प्रश्न मेरा वही है कि यहां पर लिखेद इत्यत्र लगा रहे कै और मित्रों यहां लिखेत में जो आंसर है लकार जो पूछा गया है वो आंसर डी है और लिखे यहां पर पुरुष कौन सा है कहा मध्यम पुरुष है यह आंसर आपका ध्यान रखिएगा आंसर यहां क्या है प्रश्न आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर चलते हुए लकारों की भी हम बात करें तो लकारों पे विशेष ध्यान दिलवाए कि हम जा जा रहे हैं दृश्य धातु पर दृश्य का अर्थ होता है देखना लट लकार है बिल्कुल पुरुष की बात करूं तो पुरुष में भी आप ध्यान रखें प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन दृश्य धातु का जब हम बनाएंगे तो यहां बनता है पश्यति पश्यत पश्य पश्यसी पश्यत पश्यत पश्यामि पश्यावह पश्या पश्यति पश्यत पश्य पश्यसि पश्यत पश्यत पशा पशा वह पश्या और अब प्रश्न है यहाँ पर तीसरे नंबर का कि आपको ये बताना है कि पश्यसीत्र लकार लकार कौन सा है यहां पर पहला है लट लकार दूसरा है लोट लकार तीसरा है लंग लकार और चौथा है विधि लिंग लकार विधि लिंग लकार हमारे पास अगला है पश्चा महा इत्यत्र मूल धातु क्या मूल धातु कौन सी है तो आपको आंसर भी देना है यहां पर पश्य मूल धातु है या फिर दृश मूल धातु है या फिर द्रक्ष मूल धातु है या फिर मूल धातु है। चार ऑप्शन है इन ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है आंसर देने का कार्य आपका है और जब भी समय मिले आंसर जरूर दीजिए क्योंकि आपके पास में पश्यति पश्च्यत पश्यती पश्यसी पश्च्यत पश्चत पश्च्यामी पश्चाव पश्च्या इस तरह से लकारों का विशेष है और मैं यही काम करने में हूं यहां पर इत्यत्र लकार कौन सा है पश्यति में सी में लकार कौन सा है तो मित्रों याद रखिएगा यहां पर लट लकार है यह आपको ध्यान रखना है पश्चा इत्यत्र मूल धातु क्या में यहां मूल धातु क्या है कहा साहब यहां पर मूल धातु क्या है दृश्य मूल धातु है दर्श मूल धातु है ऐसा स्थिति में आपको ध्यान रखना है अगला मेरे पास है धातु है दृश्य धातु के बाद में आपके यहां पर लकार है रिट लकार रिड लकार है जिसे आप कह सकते हैं कौन सा काल पुरुष में चले प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीन पुरुषों की यहां कहानी है एक वचनम दिवचनम बहुवचनम और यहां पर क्या बनता है द्रक्षयति द्रक्ष यक्षयती द्रक्षयसि, द्रक्षयथा, द्रक्षयत, द्रक्षयामि, द्रक्षयाव, द्रक्षयामा मैं यहां पर अगला जो लेके चल रहा हूं जो आज हमारा है प्रश्न है चौथा पांचवा पांचवा ही प्रश्न होगा यहां चार प्रश्न हो चुके हैं आइए मित्रों जब हम बात करते हैं दृश्य धातु से तो यहां बात हुई है द्रक्षयति इत्यत्र लकार है द्रक्ष यती यहां पर लकार कौन सा है तो लकार यहां ध्यान रखना होगा हमें कि यहां लट लकार है कि लोट लकार है लंग लकार है या फिर विधि लिंग लकार है अगला है मेरे पास जिस है द्रक्ष्यामी इत्यत्र मूल धातु अस्ति मूल धातु क्या है तो पहला है द्रक्ष दूसरा है पश्य तीसरा है दृश्य और चौथा है यच चार ऑप्शन जब आपके सामने हो तो आंसर आपका यथावत देना रहेगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति है द्रक्ष्यंती द्रक्ष्यसी द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यायामी द्रक्ष यहां पर आपका जो लकार है दृश धातु का तो यहां पर लकार किसका है लिट लकार का है या चार ऑप्शन में ही लिट लकार ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको यहां एक लकार विशेष बनाना ही होगा कि यहां पर आपका क्या होगा तो यहां पर आपका लकार कौन सा है ए फिर हमें दक्षा में मूल धातु क्या है इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा यह आंसर होगा सी कौन सा होगा सी होगा दृश धातु है और लकार में लेके चलूंगा लोट लकार आज्ञा अर्थ में पुरुष की मैं बात करूं प्रथम पुरुष में क्या होगा मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में भी हमें ध्यान रखना होगा एक वचन की बात करो द्विवचन और बहुवचन जब तीनों में हम बात करें तो यहां बनता है पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्यावे पश्याम अब आपका लोट लकार में सातवां प्रश्न है पश्या इत्यत्र लकार है क्या लकार कौन सा है क्या यहां लट लकार है या लोट लकार है या लंग लकार है या फिर लिड लकार आंसर दे मित्रों और यहां पर अगला है मेरे पास पश्चामा इत्यत्र वचनम किम वचन क्या होगा यहां पर एक वचनम है कि द्विवचनम है या फिर बहुवचन है या फिर सर्वे है चार ऑप्शन ये आपके हाथ में है तो हम यहां पश्य की बात करें यदि पश्य में लकार पूछा जाए हमसे तो यहां पर लोट लकार होगा ये उत्तर में हमें यहां ध्यान रखना है लोट लकार में का पश्चा में यहां पर वचन पूछा जा रहा है तो यहां पर क्या है बहुवचन है आंसर यहां सी हो जाएगा इस तरह से हमारे लकार में चलेंगे कहा दृश्य धातु से ही मैं जब लंगलकार में जाऊं अर्थात भूतकाल में तो पुरुष कितने हैं क्या प्रथम पुरुष है मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन यहां पर मेरे पास जो विशेष रूप से है उस पर बात करूं मैं लंग लकार में तो अपश्यत

अ पश्चा अ प्रश्न यहाँ सबसे बड़ा यही है कि हम जब नवा प्रश्न शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अपश्यत पुरुष कै पुरुष कौन सा है तो पुरुष भी आप बताएं कि यहां क्या है प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है या को अपि न कोई भी नहीं है दूसरा कहा दसवें प्रश्न में मैं जाऊं तो वहां कहा अ पश्य इतरा लका के लकार कौन सा है यहां पर तो याद रखिएगा लकार क्या यहां प्रथम पुरुष है यहां पर लकार पूछा है लकार का ही जवाब देना है लटलकार है या लंग लकार है या फिर विधि लिंग लकार है यहां पर चार ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे और यहां पर अपशत में पूछा है पुरुष कौन सा है तो मध्यम पुरुष में का आंसर होगा तो उत्तर यहां बी ठीक है और अ में लकार कौन सा है लकार की हम बात करें तो लंग लकार है उत्तर यहां सी होगा ठीक है मित्रों जरा सा ध्यान दें इस चीज पे और आपको यहां विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने यहां लंग लकार का भी देख लिया है अब हम यहां पर दृश्य आज एक लकार और देखेंगे इसका जिसमें हमने बात की है विधि लिंग लकार विधि लिंग लकार है जो कि चाहिए अर्थ में है पुरुष है प्रथम पुरुष है मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है एक वचन, वचन और बहुवचन हो गया हमारे पास एक वचन द्विवचन और बहुवचन या जो तीन चीजें हमारे पास हैं इस पर हमने जब जब चलेंगे इसपे तो हमारे पास है क्या है पश्चेत पश्चेताम पश्चेय पश्चे पश्चेतम पश्चेम पश्चे और पश्चिम मैं यहां पर प्रश्नों की जड़ी पे लगा के चलू तो हमारे पास ध्यान रखे हम पिछले वाले पे गए यहां पे बैक पे जलते हैं तो वहां हमारे दस प्रश्न हो गए हैं अब हम अगले पे चले तो हमारे पास ग्यारहवा प्रश्न है पश्चेत में इत लकार है क्या लकार कौन सा है तो ध्यान रखो लट लकार है कि लोट है कि लंग है या फिर विधि लिंग है विधि लिंग है कौन सा लकार है तो यहां आपको ध्यान रखना है बारवे बात करें पश्चे इत्यत्र लकार है क्या तो यहां विशेष ध्यान रखना होगा कि यहां भी लकार कौन सा है क्या लोट है या फिर लट है या फिर विधि लिंग है या फिर लंग लकार है तो ऐसी स्थिति में आपको यहां ध्यान रखना होगा कि पश्चेद में यहां लकार जो रखा आपने वो विधि लिंग लकार है डी ऑप्शन है यहां और यहां पर पश्चिम में भी लकार कौन सा है यहां पर उत्तर सी है तो मित्रों आज हमने देखा यहां पर द्रश्य धातु के सभी रूप, जिनके हमने प्रश्न देखे ढेरों शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलने के लिए लगातार बनी रहिएगा। नमो नमः नमस्कार